वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है और हम लोग बात करें इस वक्त स्किन डिजीज के ऊपर। और मैं चाहूंगी कि अगर आपकी लाइव कॉल हो तो प्लीज यहाँ ट्रांसफर कीजिएगा। कुछ ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, बच्चों को स्किन डिजीज, वो बोल नहीं सकते, वो जो मासूम बच्चे छोटे हैं उनके सर पे भी रिएक्शन होता है, उनके जिस्म पर भी रिएक्शन होता है, जिससे वो चीखो पुकार मचा देते हैं और हम समझ नहीं पाते कि बेसिकली उनको क्या प्रॉब्लम है। जैसे गर्मियों में भी होता है और सर्दियों में, दोनों में ही स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। मैं डॉक्टर साहब के पास चलती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी क्योंकि सीज़न, अभी वेदर चेंज होने वाला है और वायरल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है लोगों को इंटरनल में पूछना चाहूँगी कि मैदे की हिद्दत की वजह से या गॉल ब्लैडर की वजह से, पित्ते की वजह से, किसकी वजह से जो हमारा इनटेक ऐसा होता है तो हम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और हम कहीं पर भी बैठे होते हैं बस हमारी, और ख़ास तौर पर टांगों की तरफ, क्योंकि होता तो वो इंटरनल है लेकिन हम बार बार अपने नीचे जाके हम लोग अपनी टांगों के ऊपर बहुत जोर जोर से रैश करते हैं, ऐसा क्या है? अच्छा देखें, इसकी दो वजह हैं हमारा मैदा क्यों ख़राब होता है, या तो बहुत ज़्यादा खाने से या फाके से रहने से। ओके ठीक है जी। या तो हमारे यहाँ एक आजकल फैशन है दुबले रहने की वजह से, हम खाना पीना छोड़ चुके होते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी जब बढ़ती है तो वो ऑलरेडी स्किन पर असरअंदाज होती है। और स्किन पर असरअंदाज होने का मकसद ये है कि मैदा आपका अगर डिस्टर्ब है तो वो 110% जो है आपके जो लीवर है उसको डिस्टर्ब करेगा। लीवर डिस्टर्ब होगा तो जो सूजन है जिगर पर आना शुरू होगी, वो 110% आपके जो स्पेशली आपके किडनी है उसको मुतासिर करेगा। लेकिन ये सिलसिला एक ही रहता है एसिडिटी का। और एसिडिटी क्यों होती है? जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, एक खाने के बाद जब हम दूसरा खाना खाते हैं तो फिर वो हमारे लिए बड़ी मुसीबत जो है वो पैदा कर देता है। बेसिकली लाइनिंग लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान में एक बेहतरीन इदारा है होम्योपैथिक का, जो कि मैं समझता हूँ कि भरपूर तरीके से तमाम दवाएं जो इस वक्त उसने मार्केट में की हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इस्तेफादा हासिल करें। हमारे पास सबसे बेहतरीन इस मामले के लिए, जो वीकनेस के लिए और जो अंदरूनी ख़ारिश के लिए, जो सबसे बेस्ट हमारी इस वक्त बूस्टर है। और बूस्टर हमारा जो है वो है हमारा रेक्सरूबिया। चलें जी, फिर आप रेक्सरूबिया बोल रहे हैं और आपको पता ही नहीं हम छुपके छुपके क्या कर रहे हैं। आप हमारे गिफ्ट लाते हैं तो आने का चलो अच्छी बात है। और मैं यही कहूंगा कि देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है कि साबी जो है एक कप में नीम गर्म पानी में कितने, 2 टीस्पून, दो टीस्पून, यही जो 40 ग्राम का है ना, दो ये डालेंगे इसमें। और इसके बेनिफिट मुझे बताएं। मैं इसके बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो ये आपको बूस्ट करता है आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी और आपके अंदरूनी जो वीकनेस है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का लो हो जाना या साथ साथ जो है ब्लड प्रेशर के लो होने के, नींद की कमी का पूरा ना होना रात के वक्त। तो अगर आप सुबह नाश्ते से पहले एक गिलास दूध में 2 खाने के चम्मच रेक्सरूबिया को पियेंगे तो विद इन 1 आवर ये आपको बूस्टिंग शुरू कर देगा और आपके जिस्म को तवानाई फराहम करना शुरू कर देगा। लेकिन जिस तरह से जो हालात चल रहे हैं, अभी जो कंडीशंस चल रही है, मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि रेक्सरूबिया स्किन के लिए एक जादुई असर अपने अंदर रखता है। साथ साथ अगर आप इसमें पोटाशियम, जिंक, क्या क्या चीजें इसके अंदर, देखिये इसके अंदर पोटाशियम जिंक के अलावा जो बेसिक करता है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। अच्छा, कैल्शियम की कमी जो कैल्शियम कार्बोनेट की निशानियों से नजर आ रही होती है, भूख का ना लगना, हड्डियों में दर्द का रहना, मुसलसल जिस्म में बुखार का रहना, कैल्शियम कार्बोनेट की कमी की वाज़े अलामत है। और ये वो अलामत है जो आपको ये बता रही होती है कि आपके जिस्म में कैल्शियम जो है कम हो रही है। तो आप इसको भरपूर तरीके से मुकम्मल करें और इसको पूरा करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना बाई फ्यूचर ना हो। यानी जब आप 40+ पे आते हैं तो आपकी कैल्शियम पेशाब में ज़ाया होना शुरू हो जाती है। और आज साइंस तो भी पहले से ही हम इसको देखिए, मैं यही कहता हूँ साबी के दूध का इस्तेमाल तो कंटिन्यू है कि हमें बचपन से करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ 50 से 70% नौजवान तबका ऐसा है जो दूध का इस्तेमाल नहीं करता मगर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल शिद्दत के साथ करता है। तो जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ऑलरेडी उसके अंदर एसिड मौजूद होता है, पैप्रिक एसिड भी है, कार्बोनिक एसिड भी है। अब ये एसिड आपके जब एसोफेगस यानी गिजा की नाली से अंदर जाते हैं तो इसे जख्मी कर देता है। खाना जब इस पे लगता हुआ जाता है तो गिजा की नाली जख्मी करेगा, तो आपके चेहरे पर जो दाने हैं, पस वाले दाने हैं या ड्राई दाने हैं, ये एक अलामत है कि आपके अंदर कोई बीमारी जन्म ले रही है। अब आपके चेहरे पे अगर दाने, मोल्ड वाले दाने हैं,
तो वो वाजे बता रहे हैं कि आपका मैदा डिस्टर्ब है जिसको आपने ट्रीटमेंट करना है। पस वाले दाने अगर आ रहे हैं तो ये वाजे अलामत है कि आपका जिगर जो है वो एक्टिव काम नहीं कर रहा है। चेहरे पे कालापन वाजे नुमाया नज़र आ रहा है तो ये वाजे कर रहा है कि आपके जिस्म में खून की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारी लर्निंग लेबोरेटरीज की रेक्स रूबी ऑलरेडी मौजूद है कि अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे हम जो है मामलात से बाहर निकल सकते हैं। हमारी स्किन भी फ्रेश रहेगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फ्रेश रहेगा, निज़ाम हाजमा हमारा दुरुस्त रहेगा, क्योंकि इसमें ख़ास करके नेट्रम फास का इस्तेमाल किया गया और नेट्रम फास जो है वो 6x में हमारे मैदे के ऊपर एक जादुई जो है वो असर रखती है और एक कमाल एक मेडिसन है जो हम इस्तेमाल इसको कराते हैं। साथ साथ अगर आपके स्किन के ऊपर, कान के पीछे, चेहरे के ऊपर या आपकी आंखों के इर्द गिर्द या आपके जिस्म के कहीं भी हिस्से पे पस वाले दाने मौजूद हैं जिसमें से पीप रिस रही हो तो ये आपको बहुत वाज़े है कि आपके खून में खराबी ऑलरेडी मौजूद है, जिसके लिए आप L40 लर्निंग लेबोरेटरीज की इकिनेशिया जो जिसके नाम से आपको मार्केट से ये मिल जाएगी आप इसको इस्तेमाल कराएं। और इकिनेशिया एक ऐसी दवा है कि जो किसी भी किस्म की स्किन के हवाले से आपको सपोर्ट कर सकती है और आपको 99.9% बेहतरी की तरफ ला सकती है, लेकिन साथ साथ बूस्टर का इस्तेमाल, रेक्स रूबिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होगा क्योंकि कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, लैमियात ये सारी चीज़ें आप में प्रॉपर रहेंगी तो आप शिफायाब होंगे ना। हम क्या करते हैं, हम मल्टी विटामिन टैबलेट की तरफ चले जाते हैं मगर फलों की तरफ नहीं आते, सब्जियों की तरफ नहीं आते, गिजा की तरफ नहीं आते। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें अल्लाह देता है और हम उसे इग्नोर करते हैं और जब ये नेमत वो हमसे छीनता है तो तब एहसास होता है कि उस वक्त ये मौजूद थी और हमने इसे यूज नहीं किया। एहसास ऐसे होता है कि हमें जॉइंटिस हो गया, खाना पीना बंद हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, हमें उल्टी आना शुरू हो गई, हमारा खाना पीना बंद हो गया, हमें मोशन हो गया, हमारा खाना पीना बंद हो गया, तो हम तरसते और तड़पते हैं कि रोटी खाने को मिल जाए, चावल खाने को मिल जाए। तो जब मिलना होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, नेमत को शुक्र अदा नहीं करते, तो जाहिर सी बात है परेशानी, बिल्कुल बिल्कुल परेशानी तो होगी। हम सुमैरा की तरफ, सुमैरा खवातीन में पैचेस पड़ जाते हैं यहाँ पर, बड़ी अजीब सी छाइयां, और आफ्टर प्रेगनेंसी में ही ये होता है कि या तो आफ्टर डिलीवरी हो जाता है तो ये अजीब सी उनके अलग से ही नजर आते पैचेस, इसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं या रीजन ऑफ क्या है इसका पैचेस? देखिए बेसिकली जब प्रेगनेंसी में होता है कि डेफिशिएंसीज हो रही होती है, आयरन की डेफिशिएंसी भी होती है, कैल्शियम की भी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही होती है, तो साथ में डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा यानी आयरन का भी यूज करें, फॉलिक एसिड वगैरह भी डेली यूज में कहते हैं कि इस्तेमाल करें, कैल्शियम का इस्तेमाल भी कहते हैं इस्तेमाल करें, मगर बेसिकली हमारी जो प्रॉपर अगर हम डाइट नहीं ले रहे होते हैं या फिर कहीं कोई कोताही रह जाती है तो फिर वो इसकी इंडिकेशन हमारी स्किन के जरिए होती है। देखिए हम जो भी खाते हैं ना, जैसे वी आर व्हाट वी ईट, यानी हम जो भी नजर आ रहे होते हैं वो उसकी वजह होती है कि हम डाइट कैसी ले रहे हैं। ठीक है, एवरी 35 डेज यानी हर 35 दिनों के अंदर हमारी स्किन जो है पूरी तरह से नई स्किन में रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, और अगर रिप्लेस हो रही है तो किस चीज से हमारे नए सेल्स बन रहे हैं, वही इन्हीं चीजों से जो हम अपनी डाइट में ले रहे हैं या हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे, फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करेंगे और पानी का इस्तेमाल भी सही तरह से करेंगे और गजा में जिन चीजों की जरूरत है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे कि डॉक्टर मान ने भी कहा कि जो सही गजा होती है हम वो नहीं ले रहे होते हैं और जो है फिर बाद में तरस रहे होते हैं, तो ऐसा ही होता है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम चाहते हैं कि हम जंक फूड का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड का इस्तेमाल करें, बेसिकली उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादातर उसमें बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है सोडियम का और बैड शुगर का। शुगर कंटेन उसमें बहुत ज्यादा होता है, जैसे फ्रिजी ड्रिंक्स का अगर जिक्र करें तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी जो है वो शुगर का एक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और अगर हम किसी भी स्नैक्स की बात करें, बर्गर की बात करें, फ्राइज की, हर किसी चीज की भी बात करें, उसमें सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सोडियम कंटेंट ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी जो है उसमें स्वेलिंग भी होगी और फिर जैसे कहते हैं ना कि बॉडी में पानी का यानी सही तरह से अखराज नहीं हो रहा, इसकी भी बेसिक रीजन यही होती है क्योंकि सोडियम और ये चीज और शुगर दोनों हमारे लिए बहुत, अगर हम इसका इंटेक ज्यादा करेंगे तो हमारे चेहरे पर झुर्रियां भी ज्यादा आएंगी, यानी एजिंग जो है वो फास्ट हो जाएगा। ओके, पानी कम पीने से, पानी कम पीने से और सोडियम इंटेक और शुगर इंटेक बढ़ाने से। अच्छा, ओके। जी, इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि शुगर का इंटेक लोगों ने बहुत कम कर दिया है। जो लोग डाइट की तरफ जाते हैं वो इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं कि वो बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाते। तो अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बैलेंस का ख्याल रखें अपनी डाइट में, ना बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक करें, ना ही जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको भूलें।
तो दोनों चीजों का ख्याल रखें, इंशाल्लाह स्किन बेहतर होगी। अच्छा, अक्सर लोग सो के जब उठते हैं तो उनके आंखें ऐसी सूजी भी होंगी, ऐसा चेहरा जी बस, या रात को कुछ ऐसा खा लेते हैं, ऐसा इसका रिएक्शन क्या समझते हैं कि किसकी रीजन इसका? देखें, जब बॉडी से टॉक्सिन सही तरह से फ्लश आउट नहीं होंगे तो पफिनेस आपकी बॉडी पे भी होगी, स्पेशली फेस, आपका जो फेस है ना वो आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ की इंडिकेशन कर रहा होता है। ठीक है, हमारा स्किन बता रहा होता है कि हमारे यानी हमारी हेल्थ सही चल रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जब पफिनेस होती है तो उसका मतलब ये है कि टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो रहे हैं सही तरह, तो हमें इसे फ्लश आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मुझे बड़ी वो होती है कि जब हम लोगों को ख़वातीन में या जेंट्स में भी होता है, बहुत बड़े बड़े दाने ऐसे पस वाले हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उससे वो बहुत घबरा जाते हैं, और कुछ लोगों के तो फिर उसके दाग धब्बे जो है ना वो जाते ही नहीं हैं। हम इसे यानी कि किसी हमारे अंदर हिद्दत की, सलमान क्या कहते हैं, हमारे अंदर जिस्म की हिद्दत की वजह से वो दाने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, या हमारे हमने चेहरे पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाई होती हैं या उसकी वजह से हो जाते हैं? साबी, बहुत अच्छा सवाल है, स्पेशली मेल के हवाले से। मैं तो इतना कहता हूँ कि बेचारे मेल जो होते हैं ना वो तो बस मेल ही होते हैं, ख्वातीन के लिए मुख्तलिफ क्रीमें, मुख्तलिफ पाउडर। आप लोगों को क्यों मना है? मना नहीं है, हम लोग असल में, मैं आपको एक आज एक मुसम्मा हकीकत बता रहा हूँ कि मर्द जो होता है ना वो घर गृहस्थी में इतना फंस चुका होता है कि उसको ये फिक्र होती है कि वो माशी तौर पे अपने घर को बेहतरी की तरफ लेकर आए। तो वो माशी तौर पे जब वो धूप में बाहर निकलता है, अपने स्किन को जलाता है, अपने आप को पेलता है, अपने आप को रोलता है, तो आप यकीन जाने कि वो ही जानता है कि उस वक्त उसके दिमाग में एक चीज होती है, उसके दिमाग में फेयर लवली या इस तरह की कोई क्रीम या कोई प्रोडक्ट नहीं चल रही होती, उसके दिमाग में अपने बच्चों के लिए खाने के लिए पैसे चल रहे होते हैं, अपनी रुकी हुई तनख्वाह चल रही होती है, और वो अब जब ये चीजें उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं साबी, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला जो हमारा अज़ा है वो है मैदा, मैदा और ये पस वाले दाने जो आप जिक्र कर रहे हैं कि मोटे मोटे पस वाले दाने जिसे फोड़े कहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो हम दवा दे सकते हैं, जैसे इकनेशिया एक ऐसी दवा है जो ब्लड फ्रेशर है, यानी खून के खून को साफ करती है, यानी आप खून साफी आपने देखा होगा मुख्तलिफ कंपनीज की आती है, इंतहाई कड़वी और इंतहाई पी नहीं जा सकती, लेकिन हमारे यहाँ इकनेशिया जो है सिंगल रेमेडी में भी अगर आप लेते हैं, तो लैंडिंग लेबोरेटरीज ने क्या किया कि इसके साथ और दवाओं को कंबाइन करके एक यूनिक चीज़ तैयार कर दी कि अगर मोल किसी भी किस्म के पस वाले हैं, ड्राई हैं, जिसमें से खून बह रहा है या पस निकल रहा है या खुश्क हो रहे हैं, तो ये तकलीफ भी दूर करेगा और इससे आपको बेहतर भी करेगा। आपने डॉक्टर से भी सवाल पूछा था सुबह से कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन जो है वो क्यों झुलस जाती है, उसकी वजह तापकारी है, जो कि अभी इन्होंने आपको बताया कि डेट रेजिस जो हैं वो हमारे स्किन को मुतासिर करती हैं, और उसकी वजह यही है कि हम इनटेक पानी का नहीं कर रहे होते। हम जो है पानी इसलिए नहीं पीते कि हमें ऐसा ना हो कि यूरिन पास ज़्यादा है तो हम कहाँ जाएंगे, या पानी हम इसलिए नहीं पीते कि पानी पीने से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी हमारा सबसे बेस करता है हमारी स्किन पर, बाकी की तो हम मैं गहराई में जा ही नहीं रहा कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी, तो हम इस पे बात नहीं करते। हम बात ये करते हैं कि पानी जो आपने लेना है वो पानी आपको इंटेक करे, आपकी स्किन पे रौनक ही पानी लेकर आता है बेशक, और जब पानी आप कम करना शुरू करेंगे तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाएंगे। अभी बात हुई सोडियम और पोटेशियम की, देखें अब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम का जैसे अभी डॉक्टर सुमेरा ने बताया कि हम कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करके सोडियम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूध एक ऐसी ग़िज़ा है कि जिसमें ऑलरेडी जो है सोडियम मौजूद होता है, अपने एक मकदार में मौजूद होता है, और ये कुदरती अमर है जिससे हम सोडियम अपने जिस्म में हासिल करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मामला यहाँ पे जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो यही सोडियम गलत तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी ऐसे कि एक शख्स को हम आप कह के बुलाएं और उसी को तू कह के बुलाएं, तो बड़ा फर्क पड़ जाता है, आपके कहने में चीज वही होती है लेकिन उस बंदे को आपने आप कहा, उसने कहा शुक्रिया, तू कहा तो उसने कहा तू का, अंदर से सोडियम भी यही काम करता है। पोटेशियम आपको मैं बताऊं कि बड़ी खास इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम जिसके जिस्म में कम होगी वो बंदा इंतहाई हद तक जाबिर और बदतमीज होगा, यानी फौरी तौर पे रिएक्शन गुस्सा, यहाँ तक कि लड़ने और मरने को वो तैयार हो जाएगा जरा सी बात के ऊपर, ये वो लोग होते हैं। और इसी तरह बच्चों में जब पोटेशियम कम होती है तो ये नोचना और काटना, आपने अक्सर देखा बच्चे दांत काट लेते हैं, सही, तो ये पोटेशियम के कम होने से काटते हैं। पोटेशियम एक ऐसा आपके, अच्छा हमारे दरमियान एक कॉल है, बात कर लें, बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ जी अस्सलाम जी, ये मेरे मेरे पाँव की तलियों पे ऐसे जैसे ब्लेड से कट लगती है, पहले ऐसे लगे हैं कट लग रहे थे,
आप पैरों की तलियां और ऊपर से जो वो पाँव का हिस्सा है उसके जैसे कदर सा होता है वो बन गए और हाथों की तलियों पे भी आ गए हैं। तो काफी मतलब इनका मेडिसिन ली है तो फाका नहीं हो रहा इसके लिए, कोई मेहरबानी करे। आपका नाम क्या है? अक्सा। अक्सा कहाँ से कॉल किया आपने? मैं बलवाल से, सरगोधा। सरगोधा से कॉल की अक्सा ने। चलें जी, हम आपको बिल्कुल अभी आंसर देंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और आपकी तकलीफ भी दूर करे, आमीन। चलें जी, डॉक्टर सब क्या कहेंगे मेरी प्यारी बहन के लिए? इन्होंने जो बात की है ना, ये एक ऐसा सवाल है और ये एक ऐसी बात है कि जो हमारे यहाँ खवातीन में हज़ार में से किसी एक को ही प्रॉब्लम आती है कट पड़ने की, ठीक है, कि तलवों के ऊपर बाकायदा तौर पे कट पड़ना शुरू हो जाता है। एड़ियों पे भी होते हैं? एड़ियों के ऊपर नहीं, एड़ियों पे तो एक अलग मैटर है जो सर्दियों में होता है, लेकिन तलवों के ऊपर एक कट पड़ता है और जो है होठों के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा एक कट पड़ता है। ओके, ओके। मैं बड़ी सीधी सी बात कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ कि ये मैदे की खराबी से होता है। अच्छा। और ये जो कट पड़ना है ये वाजे तौर पे आपके पित्ते की खराबी की अलामत की बहुत बड़ी निशानी है कि आपके स्किन पर कट पड़ना शुरू होता है, जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिया और होंठ बीच में से फटना और कटना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है एक तो बूस्टर हमारी मौजूद है जो कि आपको काफ़ी कवर करेगी, उसके साथ साथ हमारे पास जो एक मेडिसिन है वो एंटीमोनियम क्रूडम है, अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, और इसके साथ साथ जो मेडिसिन है अशोका का इस्तेमाल किया जाए तो जो हमारे बहन के अंदरूनी जो कुछ मामलात हैं वो भी बेहतर होना शुरू होंगे और इसकी वाज़े अलामत यकीनन इनके साथ मौजूद होगी और वो है खून की कमी। जब आपके जिस्म में खून प्रॉपर पूरा नहीं हो रहा होता तो आपका जिस्म एक रिएक्शन देता है और वो जगह जगह से डैमेज होना जो है वो शुरू हो जाता है और ये मुख्तलिफ तरीके से डैमेज होता है। बाज़ दफ़ा आपके जिस्म पे नीले कहीं निशान पड़ जाते हैं या ब्राउन कहीं निशान पड़ जाते हैं या बाज़ दफ़ा कट पड़ जाते हैं या बाज़ दफ़ा ब्लडी हो जाता है। तो मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो चेहरा और हमारी जो स्किन है ये एक अलामती जो है निशान है कि अंदर कोई मसला खराब हो रहा है। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह चाहे तो ना रखे, आपको क्या पता चले। दाना निकला चेहरे पर तो आपको पता चला कि भाई इस तरह का मामला दरपेश आ रहा है, नहीं निकलेगा तो अंदर अंदर सड़के खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है कि उसने आपको एक निज़ाम दिया, जैसे सर्दियों में जो आग जल रही होती है आप उसके करीब बैठ जाते हैं, जरा गर्मी में बैठ के दिखाइए, ये उसने निज़ाम रखा है, उसने आपके अंदर एक सिस्टम कायम कर दिया कि अच्छा बुरा छोटा बड़ा खोटा कड़ा गरम सर्द मीठा फीका कड़वा नमकीन एक जजमेंट कर दी है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी बहन के लिए सबसे अच्छी दवा हमारे पास लैनिंग लेबोरेटरीज की इस वक्त जो मौजूद है वो है L40, जिसे नेशिया के नाम से आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से ले सकती हैं। इसके साथ साथ जो है आप एंटीमोनियम क्रूडम का इस्तेमाल इसके साथ साथ जारी रखें। बूस्टर के हवाले से क्योंकि कैल्शियम और ब्लड की कमी के जिस्म में हो रही है तो रेक्सोरुबिया उसको 110% क्योर करेगा और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा विद इन 2 से 3 महीनों में ये जो निशान है ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और एक मेडिसिन आज मैं एक और बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ डॉक्टर यूज ही नहीं करते स्किन के हवाले से, और उस दवा का नाम है पेट्रोलियम। ओके। ये दवा आप जैसे पेट्रोलियम जेली तो आपने सुना होगा कि पेट्रोलियम जेली हमारे यहाँ होम्योपैथिक में बाकायदा तौर पे ये पोटेंशलाइज किया जाता है इसको। ये टिंचर में भी हमारे पास मौजूद होता है, पोटेंसी में भी मौजूद होता है और बेसिकली जो है पेट्रोलियम के नाम से मिलती है। तो मेरी बहन अगर सरगोधा में रहती है, सरगोधा का मौसम बड़ा इफेक्ट करता है कि वहाँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। ओके। क्योंकि वहाँ नमी मौजूद नहीं है, वहाँ दरिया है और दरिया जाहिर सी बातें अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। ओके। तो समंदर में जो एक नमी होती है वो हम लोग की स्किन नमी से खराब होती है, यानी जैसे हमारे यहाँ पे क्लिफ्टन का पानी खा रहा है ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, वहाँ की स्किन पर ड्राइनेस नहीं आती, ऑयली हो जाती है स्किन। अच्छा। तो जो सरगोधा की जो इनकी क्योंकि रिहाइश है तो इनको मैं समझता हूँ कि इनको सबसे पहले जो है रेक्सोरुबिया का इस्तेमाल करना चाहिए स्किन के हवाले से और अपने मैदे का ये जो है ना, ये देखिए मैदा तो जब ही सही होगा ना, अब हो सकता है कि ये हाउसवाइफ हो और अपनी फैमिली को बड़ा प्रोडक्ट लेके चल रहे हो, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही हो जिसकी वजह से अपना ख्याल ना रख रही हो, तो इस इम्पोर्टेंट ना कि खवातीन अपना ख्याल रखती नहीं है तो जिस वजह से ज्यादा मुतासर वही होती है और 40 साल में आने के बाद उनकी जो बोन्स है यानी हड्डियाँ हैं और उनके जो अजलात हैं वो जवाब दे जाते हैं सही। और वो नींद का उनको गलबा तारी होना,
थकन का होना, उपकारी और मतली की कैफियत का आना, पित्ते में पथरी का हो जाना, जिगर पर सोजिश सूजन का आ जाना, ये एक आम मसला है एक औरत का। तो उसके लिए जो है हमारे पास L07 मौजूद है लर्निंग लेबोरेटरीज को, इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में हम इसको मेदे के हवाले से बाकायदा प्रोग्राम रखेंगे तो हम इसको जरूर टच जरूर जरूर जरूर। अच्छा जी, हम लोग ऑफ कोर्स नाजी नजर जिस तरह अभी अक्सर ने कॉल की है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको आपके इर्द गिर्द कभी भी किसी को जो भी आपको लगते हैं कि उनको तकलीफ हो स्किन सी। अच्छा एक्जिमा पे बात करते हैं हम, ये एक्जिमा की थोड़ी मैं चाहूँगी ब्रीफिंग। सलमान आप कहेंगे, सुमेरा जी सलमान आप करेंगे, चलो हम चलते हैं कि नहीं। जैसे लेकिन हो जाता है कुछ लोगों को दाद दुख कहते हैं, कुछ जैसे बड़े बड़े पैचेस से पड़ जाते हैं जी, वो बेसिकली वो बढ़ते जाते हैं, यानी कि उनकी वो साइजिंग में इतना सा भी होगा। बेसिकली स्किन जो है वो फिश लाइक फिश के स्केल्स की तरह हो जाती है और उसके साथ वो इचिंग इतनी ज्यादा होती है, जितना वो इच करते हैं वो उतना और ज्यादा एरिया इफेक्ट होता रहता है। ओके, तो इसे बेसिकली सोरायसिस भी कहते हैं और दूसरे कंडीशन जो स्किन के रैशेज वगैरह हैं जब ये स्टार्ट हो रहे होते हैं तो बेसिकली हमारा ब्लड बहुत ज्यादा टॉक्सिकेटेड हो चुका होता है। तो हमें ब्लड को प्यूरिफाई करने की भी जरूरत है, प्लस उसको अब वो उसकी इंडिकेशन वो स्किन पर इतनी ज्यादा नजर आ रही होती है तो उसको हमें स्किन को भी क्योर करना बहुत जरूरी है। उस वक्त बात सिर्फ ब्लड की नहीं रहेगी, स्किन भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो स्किन के लिए बहुत बेस्ट, अगर इतनी ज्यादा इसमें इचिंग इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है तो इसके लिए आप L40 का अगर इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस पर तो ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगी। अच्छा, जिनके सफेद सफेद छोटे छोटे या किसी टाइफाइड की वजह से बीमारी की वजह से दाग हो जाते हैं, बर्स के निशानात कह रही हैं आप? नहीं, बुखार से भी क्या हो जाते हैं दाने, पैचेस पड़ जाते हैं? देखिए, एक तो पैचेस होते हैं, वाइट पैचेस पड़ते हैं, वो कैल्शियम की कमी की इंडिकेशन होती है। ठीक है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी करनी होती है हमें बॉडी में, और उसके लिए कैल्शियम के लिए तो बिल्कुल बेस्ट बूस्टर जो है जैसे कि डॉक्टर सलमान ने कहा कि रेक्सोरूबिया, तो इसमें नेट्रमफॉस भी है, फेरम भी है, तो ब्लड की डेफिशिएंसी भी एक साथ आपकी पूरी हो रही होगी, साथ में कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी, तो आपको तीन चार चीजों के लिए परेशान नहीं होना, बिल्कुल आसान हल मिल जाएगा आपको एक प्रोडक्ट के अंदर। ओके, अच्छा एक और चीज है जैसे अभी आपने कहा रेक्सोरूबिया हर प्रॉब्लम, मैंने देखा है हर प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन हमारे पास है, बहुत इजीएस्ट है कि पानी में घोल के हम दे दें बच्चों को। क्या जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, हम अक्सर मैंने मदर्स को देखा है वो जब उनको फीडर वगैरह एक साल के बच्चों को दे रही होती है तो उसमें चीनी ऐड कर रही होती है, तो दस अल्टरनेटिव देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनके टेस्ट बर्ड से होते हैं उसी वक्त सही तरह से डिवेलप हो जाते हैं। आपने सुना होगा बच्चों को जो पसंद आते हैं ना वो बड़े भी हो जाते हैं तो अम्मी के हाथ का खाना पसंद आया होता है। क्यों? क्योंकि बचपन में वो टेस्ट बिल्ड हो चुका होता है, वो डेवलप हो चुका होता है, तो फिर वो उनको किसी के हाथ का खाना नहीं पसंद आ रहा होता, उनको अपनी अम्मी के हाथ का खाना पसंद आ रहा होता है। तो अगर हम शुरू में अगर हेल्दी आदतें डालेंगे ना, तो अगर चीनी की जगह आप रेक्सोरूबिया डाल दें तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी पूरी हो रही है, फेरम की डेफिशिएंसी यानी आयरन की डेफिशिएंसी भी पूरी हो रही है, इसमें नाइट्रिक एसिड भी मौजूद है, तो यानी बॉडी जो है आपकी ये बिल्कुल इनिशियली एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाएंगे कि वो आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन बहुत जबरदस्त के हम लोग कोई भी सेलेक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, पहले उसकी नॉलेज बहुत जरूरी है। मैं सच कह रही हूँ, देखें मेरे कहने पे ना यूज करें ना इनके कहने पे ना, लेकिन आप उसको जब हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है ना तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, तो मुझे किसी ने जब हम लोग एक उसकी रिसर्च कर रहे थे तो कहते इसमें चार चम्मच या इतनी क्वांटिटी में चीनी शुगर ऐड है। जब हम जंक फूड ले रहे होते तो उसकी जो कॉन्टेंट मौजूद होता है कि इस पे कौन कौन से अज्जा मौजूद है हम उसको नहीं देख रहे होते, बस खाने पे तवज्जो, उस वक्त हमारा सिर्फ मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक सेलिब्रेशन की तरह हम उस चीज को ले रहे होते हैं कि हमें सेलिब्रेट भी करना, तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है। सेलिब्रेट करते हुए खुद को हार्म देना जरूरी नहीं है, आप हेल्दी चीजों से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जहां तक बात है रेक्सोरूबिया को ऐड करने की, तो इस तरह से बच्चों में जो है ना शुरू से ही टेस्ट बिल्ड हो जाए क्योंकि इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है और इसमें जो स्वीटनर ऐड यानी जो नेचुरल स्वीटनर है उसको इसमें आर्टिफिशियल या खतरनाक किस्म का स्वीटनर मौजूद नहीं है, जो चीनी की कमी भी पूरी हो जाएगी यानी टेस्ट भी आपको मिल जाएगा और साथ में आपको उसकी यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बाकी सारी डेफिशिएंसीज भी पूरी हो जाएंगी। ओके, अच्छा जिस तरह मैं अभी यही बता रही थी कि हम कुछ भी अगर हमें कोई सजेस्ट डॉक्टर करते हैं और हमारे पास पहले हम लोग पता क्या बहुत सारे प्रोडक्ट टेलीविजन पे जब छोटे बच्चे हम टीवी पर एड भी देखते हैं उन ब्रांड्स का प्रोडक्ट का, लेकिन हमारे पास नॉलेज और अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास कोई हमें रिकमेंड कर रहा है या हमसे गॉसिप हम लोग अभी कोई गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसकी फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि जब आपके हाथ में प्रोडक्ट आए देन
आप उसे रीड करें, उसे पढ़ें, उसकी नॉलेज लें, मियाँ बीवी या फैमिली जो भी है, कि आया के मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, इसके ऊपर सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कोई भी प्रोडक्ट है लाइक, तो अगर हम उसको रीड करके कि मेरे बच्चे को ये चीज़ कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है इसकी, तो अगर उसका कोई बेनिफिट है तो देन आप उसे यूज़ करें, बल्कि पूरी फैमिली उसे यूज़ करें। हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं तो हम कहते हैं कि यार नहीं यार किसी को बेनिफिट हो जाए, हम अक्सर खवातीन एक दूसरे को रेकमेंड भी करती हैं exactly. या मेरे बच्चे को जो मैं ये दूध में डाल के दे रही हूँ, या मैं उसे कोई दलिया बना के ये थोड़ा सा ये चंद इसके जो है रेक्स रूबिया या कोई भी प्रोडक्ट जो हमें रिकमेंड डॉक्टर ने की है, हम इसको दलिए में डाल के दे रहे हैं, तो क्या होगा कि एक अलग से कोई चीज़ हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम उसको एक डेली रूटीन में दे रहे हैं, बेसिकली वो रूटीन बन जाएगी, हेल्दी खाने की हमारी शुरू से रूटीन बन जाएगी, मेडिसिन फॉर्म में नहीं ले रहे, बिल्कुल हम उसे न्यूट्रिशन वैल्यू में ले रहे, बिल्कुल। और जब हम महंगे महंगे हम वो ले रहे होते हैं, मल्टी वाइटामिन ले रहे होते हैं, समटाइम्स बहुत चीजें जो हैं वो आपकी बॉडी को सूट नहीं भी कर रही होती, या मल्टी वाइटामिन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा कोई भी चीज होगी, एतदाल में हर चीज अच्छी होती है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट को क्रॉस करेंगे तो जाहिर है फिर आपको काउंटर इंडिकेशन उसके साथ आएंगी, आपके साथ प्रॉब्लम होंगी, तो आप जो है वो जो भी आप मेडिसिन भी यूज करें तो कुछ भी इस्तेमाल करें, आप लाजमी तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए उसको लाजमी पढ़ें। और सबसे अच्छा बेनिफिट है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी जब डॉक्टर के पास जाएं या वो बच्चों को सजेस्ट करता है तो वो सिर्फ बच्चों के लिए होती है, तो ये एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है जिसको आप घर में बस समझिए डेली इस्तेमाल की, जिसमें न्यू बॉर्न बेबी से लेके 90 साल के और जितनी ऊपर एज जिसकी है वो यूज कर सकता है इसको, इस तरह समझ लीजिए शुगर ना हो। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह नमक की जरूरत है ना, मैं यही सोच, नमकीन में नमक चाहिए और मीठे में रेक्स रूबिया चाहिए बस इस तरह समझिए कि आप अगर फैमिली के लिए कुछ मीठा बना रहे हैं, स्पेशली उसमें अगर अलग अलग करके नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अगर आप खीर बना रहे तो उसमें चीनी की जगह अगर आप रेक्स रूबिया को इंक्लूड लास्ट में उसका एक ऊपर से कवर करा दें, पकाना नहीं है इसको, ओके ठीक, मैं पहले क्लियर कर दूंगी, कहीं आप खीर के साथ डाल के उसको चीनी की तरह पका दें ऐसा ना कीजिएगा, ऊपर से अगर आप इसको करते हैं तो हर बाइट में एक मजेदार मीठा भी आपको जा रहा होता है और बूस्टिंग अलग हो रही होती है। आप बात कर रहे थे एक्जिमा की, एक्जिमा का सबसे बड़ा जो दो तरह के एक्जिमा होते हैं, एक होता है एक्जिमा अंदरूनी और एक होता है एक्जिमा बैरूनी। बैरूनी एक्जिमा जो है वो कास्टिक की वजह से होता है, खवातीन को अक्सर बर्तन धोने की वजह से कि जो साबुन हमारे पास आ रहे हैं उसके अंदर कास्टिक की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। सही कह रहे हैं, बहुत फर्क, जो शैम्पू हम सर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने बालों को लंबा और घना करने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से बेवकूफ़ बनाने की एक मशीन है, जो हम बेवकूफ़ बन रहे होते हैं इसमें बड़े पैमाने पर कास्टिक मौजूद होता है, जो कि हमारे बालों को गिराता है, बालों को कमज़ोर करता है और बालों की जो रूट्स हैं उनको वीक कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रांडेड साबुन जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें इतना कास्टिक है कि जब आप अपनी स्किन पर एक के बाद दूसरी बार रगड़ेंगे तो स्किन में खुजली और ख़ारिश होना शुरू हो जाएगी, इसलिए कि वो मैल तो उतार देता है लेकिन उसके बाद वो क्या, जब दोबारा आप उसको कर रहे हैं तो वो तकलीफ़ देना शुरू कर देगा कि स्किन को ज़रूरत नहीं थी जिसको आपने मजीद उसको वहाँ उसको साबुन को लगा दिया। सलमान, मैं आपकी बिल्कुल बात को एडमिट करती हूँ, और ऐसा हुआ है कि मैंने जैसे सर्फ डाला, मैं कभी कभी होता है यार ये शर्ट जल्दी जाना है तो थोड़ा सा भिगो देते हैं, आप यकीन करें मैंने जैसे ही सर्फ में हाथ डाले हाथ जलने शुरू हो गए, जलते हैं और स्किन सिकुड़ जाती है। और मैं आपको एक आज एक बड़े मजे की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने फिर कोकोनट ऑयल लगाया, तो मैं सरसों का तेल लगाया, मैं डर गई सरसों भी नहीं लगाएंगे, फिर क्या, पहले जो ऑयल है वो जैतून का तेल, अच्छा वो लगाना चाहिए फौरी तौर पर, आपके हील कर, आप देखते हैं कि आप सर्फ में हाथ डालते हैं आपकी उंगलियां सिकुड़ जाती हैं, और ये सुकड़ने की अलामत, वाजे अलामत है कि आपका जो ब्लड है 12 के बजाय 9 पॉइंट पर जिस्म के अंदर है, आप चेक करा लीजिएगा कि 9 से 10 नहीं आएगा, जितनी ज्यादा उंगली सुकड़ती नजर आएंगी उतना ज्यादा अंदर से आपको डिहाइड्रेशन और ब्लड की कमी नजर आएगी। ठीक है जी, कास्टिक सबसे ज्यादा इसमें किरदार अदा करता है कि कास्टिक हर चीज में डाल के दिया जा रहा है, यहाँ तक के खानों की चीजों तक में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है रंग काट के तौर पे, मीठे में डलता है, आप ये देखते हैं कि दुपट्टे पे जो रंग चढ़ाया जाता है और जो रंग उतारा जाता है वो बेसिक वही कास्टिक है जो आप शैम्पू में और साबुन में इस्तेमाल हो रहा है। मैं सर डॉक्टर सलमान की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
ये जो आजकल बहुत ज्यादा, आजकल नहीं बल्कि हमारे एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन उनको चाहिए, यानी ब्यूटी की अलामत ये है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन, यानी ये हम नहीं सोच रहे होते कि हेल्दी स्किन जो है वो ब्यूटी की अलामत है। वो डस्की, अगर कोई स्किन, किसी का स्किन डस्की है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि स्किन ब्यूटीफुल नहीं है, वो स्किन भी ब्यूटीफुल है, उसका कॉम्प्लेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। हेल्दी स्किन ब्यूटीफुल होती है, अब वो यानी फेयर कॉम्प्लेक्शन में हो, डस्की में हो या डार्क में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। मगर लोगों को आजकल इतना, बल्कि आजकल नहीं, ये सदियों से शायद आ रहा है कि लोगों में फेयर एंड लवली का, आप जैसे यानी आप जैसे जिक्र कर रही थी, इसी तरह से बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी क्रीम्स जो हैं वो मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। मींस के लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है कि उसको इस्तेमाल करेंगे तो हम फेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी बेसिकली कलर कॉम्प्लेक्शन को कम करने के लिए इतना ज्यादा मर्क्यूरी यूज किया जाता है कि मर्क्यूरी बेसिकली यूज करते हैं ताकि मेलानिन प्रोडक्शन सप्रेस हो जाए, ठीक है। और मेलानिन की प्रोडक्शन कम होगी तो हमारा स्किन टोन डार्क नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक बेसिक एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारे स्किन का कलर, हमारी आईज का और बालों का कलर, जितना ज्यादा इसकी प्रोडक्शन होगी उतना पिगमेंट डार्क होगा, ठीक है। तो जब मर्करी यूज कर रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि पिगमेंट कम प्रोडक्शन उसकी होती है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से, उसको सप्रेस करने की वजह से मर्क्यूरी की इतनी ज्यादा क्वांटिटी डाली जाती है, जो कि स्किन के लिए साइड इफेक्ट, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट। इवन आरजी तौर पे, बकौल सुमैरा के, वो आरजी तौर पे तो हम फेयर हो जाते हैं जी, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद इसकी तरफ जाता है, बिल्कुल खराब होना शुरू हो जाएगी, उसकी रौनक खत्म हो जाएगी, रौनक खत्म। उन्होंने तो ये प्रूव कर दिया है, उन्होंने मिस वर्ल्ड भी इतनी, जब मैंने उनको देखा, उनका जो अक्सर आप यूट्यूब पे देखें जो बड़े बड़े जो विंस करते हैं मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स, उनका कॉम्प्लेक्शन जो है, ये समझ में नहीं आती कि उनमें ऐसा होता क्या है मिस वर्ल्ड बनने वाला कि वो उन्हें मिस वर्ल्ड बना दिया जाता है। मैं एक बात बता रही हूँ, उनका भी कॉम्प्लेक्शन देखे तो बात अपने सही है कॉम्प्लेक्शन की, लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि उनमें होता क्या है मिस वर्ल्ड वाला कि आप ताज बना के पूरी दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत उसको बना देते हैं, जबकि वो सिर्फ 10 से 20 से 50 से 100 लोग फैसला कर रहे होते हैं, बाकी जो ट्रिलियन ब्रिलियन के हिसाब से लोग हैं वो खैर हमसे तो पूछा ही नहीं। अच्छा, वो असल में आपको अपना दुख रहा है ना कि मुझसे तो पूछा नहीं, मुझे दुखड़े का मसला नहीं है, मैं पाकिस्तान में मिस पाकिस्तान कर सकते। अच्छा, इस तरह के दुखड़े ना मैं लेता ही नहीं। आप एक काम करें, यहाँ पर मिस पाकिस्तान करवा देना तो फिर वो अच्छा होगा। लेट्स सी, मैं कहने का मतलब, जैसे मेरी प्यारी बहन ने कहा कि कॉम्प्लेक्शन, आपकी स्किन हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर आप डिहाइड्रेट होंगे, स्किन के ऊपर अजीब से कॉस्मेटिक्स विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन या रिस्ट्रक्शन, जो भी आप कहेंगे, विदाउट एनी गाइडलाइन, आप उसे यूज़ करें, आपको यही नहीं मालूम क्या है कि ये मैं ब्यूटी प्रोडक्ट वहाँ लिखा हुआ है जी, इतने दिन में गोरे हो जाए, आपने जाके लेकर आएगा, आपको ये नहीं मालूम कि आपकी स्किन का टोन कैसा है, आपको वो सूट भी करती है कि नहीं। और उसका भी होता है कि बंदा पहले स्किन ऊपर अपने हाथ पे लगा करना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि जो आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी होती है, पहले जो स्किन मौजूद होती है आप उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्किन आपकी थिनिंग की तरफ चली जाती है, इवन आपको स्किन कैंसर की तरफ भी ले जाता है ये। तो आपको इन चीजों को बहुत अवॉइड करना चाहिए। आपको चाहिए, अगर आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन भी चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, तो आप नेचुरल चीजें इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें, रेगजोर भी इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर आपके स्किन पे कोई साइड इफेक्ट, कॉस्मेटिक के भी साइड इफेक्ट जाहिर है, स्किन हमारी बिल्कुल फ्लॉलेस हमेशा नहीं रह सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है, कभी कॉस्मेटिक्स की वजह से, कभी किसी और रिएक्शन की वजह से, कभी किसी इंसेक्ट की वजह से, तो ऐसी कोई कंडीशन हो तो L40 का इस्तेमाल कर लें उस दौरान। और प्लस अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहते तो आप इन चीजों से बहुत हद तक प्रोटेक्ट भी रहते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको बहुत शौक है आपकी स्किन फ्लॉलेस और इतनी अच्छी नजर आए, तो आप सस्ती क्रीमें और इस तरह के कॉम्प्लेक्शन को निखारने वाली, जो बहुत कहते हैं ना कि शॉर्टकट वाला रास्ता हमेशा खतरनाक रास्ता होता है, तो शॉर्टकट को छोड़कर आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज्यादा किया करें, और वो क्रीम्स ऐड यूज करने के बजाय अपनी रूटीन में विटामिन सी सीरम्स यूज कर लें, हाइलुरोनिक एसिड यूज कर लें। और अब ये तो बात रही एप्लीकेशन की, ठीक है, लेकिन इंटरनल हेल्थ का ख्याल रखना भी जरूरी है, तो इन चीजों का भी लाजमी ख्याल रखें। जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी, 90% यानी कि 90% आपको इंटरनल अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को
यानी कि आपका स्टमक सबसे बेस्ट होना चाहिए, आपका खून ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर टॉक्सिन एलिमेंट जन्म ना ले, ये वो इनिशियल चीज़ें हैं। और आपके जब अगर ये ऑर्गन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बोन्स में से जो आपका कैल्शियम है वो ऑर्गन लेना शुरू कर देगा। मेरे जितने डॉक्टर्स आते हैं मैं बड़े गौर से उनको सुनती हूँ, और मेरे खुद नॉलेज में यकीन करें मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी बहुत सारी बातों का नहीं मालूम था, और जब मेरे पास ये इतने इंटेलिजेंट लोग आते हैं तो बहुत सारी बातें शेयर होती हैं। देखिए ऐसी मजाक में बहुत सारी बातें हम आप तक डिलीवर करते हैं, और अवेयरनेस इसीलिए हम आपको देते हैं ताकि आपके इर्द गिर्द जो गलतियाँ आपसे कोताहियाँ हो गई हैं वो दोबारा ना हो। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम लोग दोबारा आते हैं, और अभी इसके बाद एक बहुत एक और दो तीन क्वेश्चन करने यहाँ पर लेंगे, छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।